इस एकेडमी का नाम ज़ुबैर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी है और इसका क़याम तकरीबन 1990 में हुआ है, 1990 से इसका आगाज़ हुआ था। हमारे पास है मास खान है और तकरीबन काफ़ी मेडल हैं उसके, 14, 15, 16 तकरीबन उसके मेडल होंगे इंटरनेशनल। उसके अलावा महमूद अल हसन है, पाकिस्तान एयरफोर्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में, वो भी इंटरनेशनल है बॉक्सिंग में। वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग की थी मेरी तकरीबन 9वीं फाइट थी और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अनडिफीटेड हूँ। फर्स्ट कायद अजम गेम था उसमें गोल्ड था, मैं इस्लामाबाद में हुई थी। 2012 में मैंने सिल्वर लिया है, फिर 2018 में जो है उसमें मैंने गोल्ड लिया है। अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ूँ, अफगानिस्तान के खिलाफ खेला है मैंने, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रिजल्ट आई हमारी। हमारे ज़्यादातर मेडल वो वुशु कुंग फू में है, उसमें हमें मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं सिंध के हवाले से कि भाई यहाँ पे हम बिल्कुल फैसिलिटेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ऐसी गेम है कि बग़ैर मैट के हो ही नहीं सकता, लेकिन हम इस फर्श पे खेलते हैं। हमारे पास मैट नहीं है और हमारे पास कोई सहूलियात नहीं है, जो जब हम गिरते हैं तो हमारा सर लगता है तो कम अज़ कम आधे घंटे और घंटे बाद हमें होश आता है। यहाँ पे गिरने के बाद हम इस टूटे हुए फर्श से एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जो वहीं के उसी जगह के सीखे होते हैं, बड़े बड़े रिंगों के, बड़े बड़े मैट्स के सीखे हुए लड़कों से हम लड़ते हैं, उनको मारते हैं। तो बस मैं हम अल्लाह का शुक्र ये अदा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ से उठाया और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ले कर जाके वहाँ हमें जिताते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक जितने भी फाइट्स खेला हूँ कोई भी नहीं आ रहा, मैं अनडिफीटेड हूँ। ये मैट है, हमें इसकी सख्त ज़रूरत है, ये हमारे पास नहीं है। हमें सिंध गवर्नमेंट से भी ले कि हमारे ये क्लब को देखा जाए, यहाँ पे जो ज़रूरियात की चीज़ें हमारे जो हैं मैट वगैरह वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करें। मैट पे हमने कभी खेला नहीं है, क्लब में हम बग़ैर मैट के खेलते हैं, बाहर जाते हैं मैट तो ऊपर आ जाते हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती है एक पैड दो पैड में, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम फर्श पे खेलते हैं, फर्श पे तो बहुत मुश्किल है, मैट पे हमारे बहुत ईजी हो जाता है। इस फर्श पे माज भाई ने एशियन साउथ एशियन मेडल लाए, अगर ये मेट होगा तो और कितने लड़के यहाँ से जा सकते हैं। माशाल्लाह बच्चों की यहाँ पे फाइटें देख ले तो ये फर्श पे गिरते हैं, पर अब आदी हो गए फर्श पे गिरना। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, हमारे जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं मलिक इफ्तिखार साहब वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं 8-10 साल से, उनको ग्रांट नहीं मिली है वुशु के लिए, हालांकि सबसे ज़्यादा मेडल जो पाकिस्तान को दिए हैं वो वुशु ने दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस अकेडमी में पूरे कराची से लड़के आते हैं और वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी एकेडमी हो जाए जो जिमनाजियम हाल की तरह हो और उसमें हमें मुकम्मल हम फैसिलिटेड हो जाएं, उसमें पूरे हर किस्म की मौजूद हो, तो हमारे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। वो रब्ता करते हैं प्लेयर, लेकिन हमारे पास रिहाइश के लिए और दूसरे ऐसे चीज़ें नहीं हैं कि हम उसको यहाँ पर बुला सकें।